गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग एक मास्टर प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करेंगे और इसका शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे आपको मास्टर प्रॉपर्टी का। चूंकि इस प्रॉपर्टी से दो तीन क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, आने ही आने, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। और ये मास्टर प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, समझेंगे। पहले मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ, फिर इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स करना हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 ए से बी एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारा प्रॉपर्टी है बच्चे। अब प्रॉपर्टी का यदि आपको प्रूफ चाहिए तो इसके लिए आपको थ्योरेटिकल क्लासेस करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ प्रूफ की बात नहीं करेंगे, इसको हम नाम देते हैं मास्टर प्रॉपर्टी बच्चे। इसको हम नाम देते हैं मास्टर प्रॉपर्टी, है ना, मास्टर प्रॉपर्टी हम इसका नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के थ्रू कई सारे डेफिनेट के क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं और ये हर जगह जेईई मेन में भी और बोर्ड्स में दोनों जगह एकदम काम आने वाला है बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ध्यान से देख लो इसको क्या ही है और कैसे इसको अप्लाई करना है। अब इसमें क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम ये देखते हैं, ये 0 से π/2 डी एक्स बाय 1+√tan(x) है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले हमें ये प्रॉपर्टी लगा देनी है, इसको हम आई मान के ये प्रॉपर्टी लगा देनी है। ये प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे भाई, बहुत आसान सा काम है। 1/2 एक तो ऐसे ही लिखना है इसको, 0 से π/2 डी एक्स बाई, एक तो आपका एफ एक्स रख देना, एफ एक्स क्या हमारे पास 1+√tan है और प्लस में और क्या हो जाएगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इसको डी एक्स को 1 लिख देते हैं, जब तक डी एक्स लास्ट में लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा के, और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो 1/√tan, यहां से ए प्लस बी, ए है 0 और बी है π/2, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ π/2, तो π/2 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, इसको π/2 माइनस एक्स डी एक्स लिख देंगे। अब यहाँ ऐसा करते ही हमारे पास ये जो डाटा आ गया, इसको क्या करेंगे फटाफट देखिए आगे क्या करना है, इसको आगे बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ये देखिए आप समझे। अब इसमें करना है क्या, इसके एलसीएम लेने थोड़ा ध्यान देना है, मैं एलसीएम लेते समय थोड़ा ध्यान देना है कि एलसीएम कैसे करना है। ठीक है, तो देखो एलसीएम लेने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देंगे, और ये हमारा लॉजिक क्या है कि आई बराबर हो जाएगा 1/2 0 से π/2, टैन को करेंगे साइन बाई कॉस, और कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा तो रूट कॉस ऊपर हो गया बच्चों, और नीचे हो गया रूट साइन प्लस रूट कॉस। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। प्लस ये हो जाएगा 10 90 माइनस, तो ये कॉट हो जाएगा कॉट एक्स, और कॉट एक्स को क्या लिखेंगे कॉस बाई साइन, तो इसमें साइन ऊपर चला जाएगा तो रूट साइन प्लस रूट कॉस। ये हो गया बच्चों डी एक्स। अब करना कुछ नहीं है, ये जैसे ही आप जोड़ोगे दोनों को तो ये कट जाएगा, और कट के आ जाएगा 1 dx और 1 dx का इंटीग्रेशन, एक्स हो जाएगा 1/2 और एक्स की वैल्यू हो जाएगी π/2, और π/2 माइनस 0 तो आंसर विल बी π/4। मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर 0 π/4 इस तरह के आंसर आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इस प्रॉपर्टी के यूज से 3-4 क्वेश्चन हम आपको फटाफट बताते हैं जल्दी, ताकि हम इस चीज को समझ पाए कि क्या करना है इसमें, कैसे कैसे क्या किया और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अगला हमारा देखो, ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हम आपको बता रहे हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को बस आपको रिमाइंड रखना है, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग आसानी से दूसरा क्वेश्चन हमारा, जैसे मान लो 0 से π/2 log tan x dx इंटीग्रेशन बच्चों, तो हमें क्या करना है प्रॉपर्टी लगा देनी है, एक तो एफ एक्स लेना है और एक लेना है f π/2 - x, क्योंकि यहाँ a प्लस बी करेंगे तो a और b जोड़ेंगे तो π/2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये प्रॉपर्टी क्या लग जाएगा 1/2 0 से π/2 एफ एक्स की जगह तो log tan x हो जाएगा बच्चों, और f π/2 x माइनस हो जाएगा तो tan π/2 - x, और tan π/2 - x क्या होता है cot x हो जाता है। बहुत आसानी से इसको हम cot x लिख सकते हैं 1/2 0 से π/2, और log में दो चीजें प्लस में हो तो वो मल्टीप्लाई में आया, तो उसका आर्गुमेंट किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो tan x है और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan x into cot x dx, और ये log 1 हो जाएगा 0,
and that will be 0 finally. Yeah, tan x into cot x 1 होता है, log 1 0, 0 से वैल्यू 0 हो जाएगी, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी. बहुत आसानी से इन दो लाइनों में आसानी से हमने इसका सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया बच्चों ध्यान से. ठीक है, इज दैट क्लियर? बहुत इजी है, इट्स नॉट अ टफ जॉब, बहुत आसानी से आप इसको कर ले रहे हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, किसी प्रकार का और मतलब आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे के पूछ सकते हैं कि सर क्या डाउट है, कैसे ऐसे करना है. एक अगला क्वेश्चन है, 0 से पाई बाई 2 या मान लो पाई बाई 3 से पाई बाई 6 है, और ये आपका साइन 3/2 x dx. ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों ने बोला हमें कि सर एक वीडियो बना दीजिए थ्योरी का भी, छोटे छोटे वीडियोस बना दीजिए थ्योरी का भी, ताकि हमें दिक्कत ना हो, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं. तो इसमें भी हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे. ये प्रॉपर्टी पहले तो a प्लस बी देख लो, a प्लस बी माइनस एक्स कितना होगा, a कितना है पाई बाई 3, b कितना है पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, यानी a प्लस बी माइनस एक्स हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स. तो एक बार तो fx लेना है हमको, i बराबर क्या करना है 1/2, और ब्रैकेट लेना है, एक तो हमारा fx ही लेना है. तो पाई बाई 3 से पाई बाई 6, fx में हमारा क्या हो जाएगा साइन की पावर 3/2 x, नीचे भी से एक तो fx मतलब एक तो उतारना है, जो भी रहेगा उसको उतार देना है, उतार दिए बच्चों, और प्लस अब पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो यहां पे हो जाएगा साइन एक्स के थीटा की जगह 90 माइनस थीटा. जब भी थीटा की जगह 90 माइनस थीटा होता है तो साइन की जगह क्या जाता है कॉस, और कॉस की जगह क्या जाता है साइन. तो अब साइन की जगह लिख देंगे कॉस, कॉस की पावर हो जाएगा 3/2 x, नीचे हो जाएगा कॉस की 3/2 x प्लस साइन की 3/2, है ना बच्चों. और बहुत आसानी से हमने इसको लिख लिया ऐसे. अब हमें क्या करना है, बहुत इजी है ये, 1/2 सेटल डाउन हो गया सारा कुछ, पाई बाई 3 से पाई बाई 6, और ये कट जाएगा, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया है, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 1 dx, और 1 dx आने के बाद आंसर हो जाएगा हमारा 1/2, और dx का इंटीग्रेशन x, और x का मतलब पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3. तो 60 डिग्री में से 30 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो -30 डिग्री, 1/2 इंटू माइनस पाई बाई 6 आंसर आ गया बच्चों -5/12. बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन निकल लिया. अगले एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ठीक है, सिमिलरली हम लोग एक और क्वेश्चन पे देख लेते हैं फटाफट, ताकि 4-5 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी से 5 क्वेश्चन कर लिया प्रॉपर्टी क्लियर, कुछ और नहीं करना है बहुत ज्यादा आपको, बस ध्यान से. हाँ, मैं यदि 5 क्वेश्चन करवा रहा तो 5 क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, और वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं यदि आपको फास्ट लग रहा हो तो. ठीक है बच्चों, चूंकि हम ये रिवीजन वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है, तो रिवीजन वीडियोस हमें ये ध्यान देना है कि भी ज्यादा टाइम हम आपका ना बर्बाद करें और काम की बात फटाफट कर लें. तो अगला हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 + sin x into cos x. एक तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रहे हैं आपको, और एक प्रॉपर्टी का ही, एक ही प्रॉपर्टी से हम सारा क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए. एक तो हम लोग यहाँ पर क्या करना है बच्चों, हमें एक तो हमें fx यूज करना है पहले फटाफट, और एक fa + b - x. ध्यान रहे प्रॉपर्टी एकदम ध्यान में रहे दिमाग में कि हम क्या बताएं, प्रॉपर्टी हम शुरू में ही लिख दिया कि क्या प्रॉपर्टी था, उसी प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चंस करें. मास्टर प्रॉपर्टी हमारी, मास्टर प्रॉपर्टी में एक तो ये उतार देना होता है, उतार दिया भाई, लो आसानी से sin x - cos x / 1 + sin x into cos x, और हमारा क्या हो जाएगा a + b - x. अब 90 - x, x की जगह हमें रखना होगा a + b - x, तो 90 - x, x की जगह 90 - x रखेंगे तो sin की जगह cos, और cos की जगह sin, तो sin की जगह cos हो जाएगा cos x, माइनस कॉस की जगह साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा बच्चों 1 + sin x की जगह कॉस एक्स, और कॉस एक्स की जगह साइन एक्स. बहुत आसानी से ये छोटा बच्चा भी समझ सकता है, कोई खास बात नहीं. 1/2 के साथ 1/2, अब ये जोड़ेंगे तो देखो कितना आ गया, नीचे एलसीएम तो सेम हो गया बच्चों, नीचे एलसीएम हो गया 1 + sin x into cos x, और ऊपर कितना आ जाएगा जोड़ते हैं, जैसे ही जोड़ोगे तो कट जाएगा साइन साइन कट जाएगा कॉस कॉस कट जाएगा, ऊपर 0 आ गया, फाइनली 0 हो गया बच्चों. बहुत ही आसान सी बात है, बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का हमारा एंड है. हम इतना ही छोटा प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बहुत छोटा सा.